हाँ भाई, अब देखते हैं मानव हृदय। सबसे प्रमुख जो कार्य है मानव हृदय का, वो क्या करता है? जो मानव हृदय है उसका प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन युक्त रुधिर को, ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है और बी ऑक्सीजन युक्त, बी ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होगा उसमें CO2 मिली होगी, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रुधिर होगा उसको शरीर की कोशिकाओं से फुफ्फुस तक पहुंचाता है। सबसे मुख्य कार्य जो हृदय का होता है वो शरीर में रुधिर को पंप करने का होता है। एक तरह का ये पंप है। हमारे शरीर में जो रुधिर बन रहा है वो रुधिर धमनियों और सिराओं से होते हुए इस फुफ्फुस से गुजरता है, सॉरी हृदय से गुजरता है। इस हृदय की मुख्य जो संरचना है, मानव हृदय की जो संरचना है, इसमें देखो बेटा, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं। इसकी संरचना मुट्ठी के आकार की होती है और इन 4 कोष्ठों में 2 तो आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय। अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें दोनों प्रकार का रुधिर बहता है, हृदय में एक साइड में तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है और एक साइड में बी ऑक्सीजन युक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है, तो वो कौन सी साइड है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है? आपको मैं बता दूं, जो बायां भाग है, ये वाला भाग है, इसमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है और जो दायां भाग है इसमें CO2 युक्त रुधिर बहता है। इसका मतलब यह हुआ कि रुधिर एक बार ऑक्सीजन युक्त रुधिर इस बाएं भाग में आया, शरीर में महाधमनी द्वारा पहुंचा दिया और फिर शरीर से वो रुधिर फुफ्फुसीय धमनी सॉरी महासिरा द्वारा फिर इस हृदय में आया और फिर वो रुधिर कहां पहुंचा दिया? CO2 युक्त रुधिर फुफ्फुस तक पहुंचा दिया। तो रुधिर का इस हृदय से कितनी बार गमन हो रहा है? 2 बार। इसलिए मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ध्यान से सुनो, हृदय में से रुधिर 2 बार गुजरता है। मानव हृदय में से जो रुधिर होता है वो 2 बार गुजरता है और 2 बार गुजरता है बाएं भाग में ऑक्सीजन युक्त रुधिर गुजरता है और दाएं भाग में भी ऑक्सीजन युक्त रुधिर गुजरता है, ठीक है ना। अब ये जो रुधिर गुजर रहा है 2 बार, इसलिए मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र को, ध्यान से सुनना, मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें से कितनी बार रुधिर गुजर रहा है? 2 बार। अब बात करते हैं भाई, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं मानव हृदय के? तो देखो, बाएं भाग की बात करूं तो इसमें बाएं भाग में बाएं आलिंद होता है, बायां निलय होता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय 2 भाग होते हैं। इन दोनों भागों को विभाजित करने वाली एक पट्टिका होती है, आलिंद निलय विभाजन पट्टिका। और आलिंद निलय विभाजन पट्टिका में त्रिवलन कपाट होते हैं। कपाट का मतलब होता है कि जब रुधिर फुफ्फुस से, फुफ्फुसीय सिरा से, देखो एक बात बताऊं बेटा, जो रुधिर होता है वो सिराओं में
जो रुधिर होता है वो CO2 युक्त रुधिर बहता है, सिराओं में CO2 युक्त रुधिर बहता है, और जबकि धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। लेकिन दो ऐसी सिरा होती हैं, दो ऐसी धमनी होती हैं जिनमें उल्टा रुधिर बहता है। देखो यहां पर सिरा जो ये है इसमें अशुद्ध रुधिर बहना चाहिए, जिसको अशुद्ध बोलते हैं, CO2 युक्त रुधिर जो होता है उसको अशुद्ध रुधिर बोलते हैं, अशुद्ध रुधिर बहना चाहिए। लेकिन यहां पर फुफ्फुसीय सिरा इस बाएं आलिंद में फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ला रही है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर ला रही है। तो फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रुधिर लाती है और फुफ्फुसीय धमनी CO2 युक्त रुधिर फुफ्फुस में ले जाती है। तो फुफ्फुसीय सिरा और फुफ्फुसीय धमनी दो तो ये हो गई जो ऑक्सीजन युक्त और CO2 युक्त रुधिर को उल्टा करके ले जाती हैं। अब एक बात बताऊं, इसकी जब ये फुफ्फुसीय सिरा से CO2 युक्त रुधिर कहां आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। बाएं आलिंद में आकर के ये तब तक संकुचित नहीं होता ये, जब तक ये फैल जा, बाया निलय नहीं फैलता, ये कपाट तब तक नहीं खुलते जब तक ये बाया निलय फैल नहीं जाता। जैसे ही ये फैलता है तो क्या होता है बेटा, ये जो बाया आलिंद है इसमें से ऑक्सीजन युक्त रुधिर कहां जाता है, बाय निलय में। और बाय निलय में जैसे ही ये बाय निलय में रुधिर आता है, एक बात आपको बता दूं, बाय निलय की जो ये दीवारें हैं, जो परत है बाय निलय की, ये मोटी होती हैं, मोटी होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि बाय निलय ही एक ऐसा भाग है जो रुधिर को शरीर में पंप करता है। जो रुधिर होता है ना उसको शरीर की प्रत्येक कोशिका तक भेजने का जो जिम्मेदार भाग है हृदय का, वो है बाय निलय। जैसे ही इसमें पूरा रुधिर भर जाएगा ये कपाट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे और उधर रुधिर जाना, वापस रुधिर जाना बंद हो जाएगा। तो अब क्या होता है, जैसे ही इसमें दाब बढ़ेगा रुधिर का, रुधिर दाब बढ़ेगा तो ये महाधमनी द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिका के अंदर, ये महाधमनी द्वारा या शरीर की प्रत्येक भाग में ये रुधिर क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है, प्रेषित कर दिया जाता है और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ये रुधिर पहुंच जाता है। कौन सा, ऑक्सीजन युक्त रुधिर। अब ऑक्सीजन युक्त रुधिर कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर कोशिकाओं के पास पहुंचता है तो ऑक्सीजन कोशिका के अंदर चली जाती है। और मैंने पाचन में आपको पढ़ाया था कि कोशिका के अंदर ऑलरेडी कौन बैठा रहता है, ये क्या है, ग्लूकोज, ये क्या है, ये ग्लूकोज है। तो ऑक्सीजन ग्लूकोज का उपचयन करती है, ऑक्सीकरण करती है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन उपचयन करती है। और जैसे ही ये उपचयन होगा तो इसमें बनेगा ग्लूकोज में, जैसे इसका CO2 बनेगी, जल बनेगा और ATP का निर्माण होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। अब यहां पर CO2 बनी, ये जो CO2 बनी वो CO2 वापस आएगी रुधिर में मिलेगी, हीमोग्लोबिन के साथ में मिलते ही ये CO2 कहां जाती है, महासिरा में आ जाती है। कहां जाती है, और महासिरा से ये CO2 युक्त रुधिर कहां जाता है, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में आ जाता है। और दाएं आलिंद में आकर के ये रुधिर भर जाता है, जैसे इसमें दाएं आलिंद में रुधिर का दाब बढ़ेगा तो ये कपाट खुल जाएंगे, और ये कपाट खुल जाएंगे तो वो रुधिर ये दाएं आलिंद से कहां जाएगा, दाया निलय में आ जाएगा। और दाएं निलय से ये रुधिर क्या होगा, जैसे ही यहां पर इसका दाब बढ़ेगा इधर तो रुधिर जाना बंद हो जाएगा, लेकिन ये फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहां पहुंच जाएगा, फुफ्फुस तक पहुंच जाएगा, फुफ्फुस के वायु कूपिकाओं से CO2 को मुक्त कर दिया जाएगा और CO2 श्वसन के दौरान बाहर निकाल दी जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि जब ये फुफ्फुसीय सिरा से ऑक्सीजन लाई
तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके CO2 बन गई, और CO2 को वो रुधिर कहां ला रहा है, महासिरा से दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से कहां रहा है, दाएं निले में, और दाएं निले से फुफ्फुस या धमनी द्वारा फुफ्फुस में छोड़ दिया जाता है और CO2 मुक्त कर दी जाती है। इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि संपन्न होती है। यह रुधिर दो बार इस हृदय से गुजरता है, इसको कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। इसको दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से दो बार हृदय गुजरता है। अब बात करते हैं कि ये जो रुधिर गुजर रहा है, एक भाग में रुधिर गुजरने की जो समय है कि भाई कितने समय में एक भाग से रुधिर गुजरता है, ध्यान से सुनना, एक भाग में रुधिर गुजरने का जो समय है 0.4 सेकंड है। एक भाग में जो रुधिर है वो उसका गुजरने का जो समय है 0.4 सेकंड, तो दो भाग में से गुजरने का समय कितना हो गया 0.8 सेकंड। इधर से आया लप, इधर से गया डप, दो बार रुधिर गुजर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हृदय की जो धड़कन है एक सेकंड वो जीरो, एक बार गुजरने में कितनी बार 0.8 सेकंड का समय लग रहा है, और अगर इसका कैलकुलेशन करें तो टोटल जो समय लग रहा है एक मिनट में हृदय में जो धड़कन बन रही है वो वयस्क व्यक्ति में 72 बार बन रही है। एक मिनट में मानव का हृदय जो लफ डप की जो आवाज आती है वो 72 बार आती है। बात करते हैं भाई जो हृदय की धड़कन को, जो हृदय की धड़कन है मानव हृदय में वो उसको डॉक्टर स्टेथोस्कोप से मापते नहीं मापते क्या? अब एक बात बताओ, कभी कभार क्या होता है हृदय ज्यादा तेज धड़कने लग जाता है या फिर धीमा धड़कने लगता है, क्यों? ऐसा इसलिए होता है अगर रुधिर वाहिनियों में, रुधिर वाहिनी कौन सी है, सिरा और धमनी, जो शरीर में रुधिर को ले जाती हैं वो तो होती है धमनी, और जो शरीर से रुधिर को लाती हैं वो होती है सिरा, लेकिन फुफ्फुस या धमनी तो ले जाती है रुधिर को, CO2 युक्त रुधिर को, लेकिन और यहां पर फुफ्फुस या सिरा ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लाती है। बिल्कुल ये दोनों शरीर की जो धमनियां हैं और सिरा हैं उनका बिल्कुल उल्टा है। एक जगह और है ऐसा ही, जब अपन उत्सर्जन पढ़ेंगे तो उत्सर्जन में नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे, नेफ्रॉन की संरचना में भी यही होता है। हालांकि धमनी का जो धमनी है ना उनका कार्य ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ही ले जाने का है, लेकिन वृक्कीय धमनी CO2 युक्त रुधिर को लाती है, और वृक्कीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लाती है। वृक्कीय जो सिरा होती है ना वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर का वहन करती है। कुल मिलाकर ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर सिरा और धमनियों का जो कार्य है बिल्कुल उसका उल्टा है। इस प्रकार से मानव हृदय कार्य करता है, मानव हृदय की संरचना होती है।